हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर 20 मार्च तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज की वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिससे संबंधित जानकारी आपको साइड में स्क्रीन में शो करा दी जाएगी। टोटल 6 टेस्ट पेपर सेट किए जा रहे हैं, जो आपके 25 मार्च से स्टार्ट होगा। 25 मार्च से हर एक एक वीक के गैप में एक एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक टेस्ट पेपर 100 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, ठीक। तो टोटल आपके 6 डेट में आपके छत्तीसगढ़ के टॉपिक वाइज, स्पेशली छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन टॉपिक वाइज आपके टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ भूगोल, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और आपके एक लास्ट मेगा टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर पर है आपकी सातवीं आर्थिक जनगणना पूर्ण। सातवीं आर्थिक, देखिए हमारे देश में आपके सातवें नंबर की आर्थिक जनगणना प्रारंभ की गई थी। तो इस सातवीं आर्थिक जनगणना, ये जनगणना नहीं है, ये आर्थिक जनगणना है। सातवीं आर्थिक जनगणना पूर्ण करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है। पहले नंबर पर इस सातवीं आर्थिक जनगणना को पूर्ण करने वाला राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इस सातवीं आर्थिक जनगणना को पूर्ण करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इस जनगणना में आए रिकॉर्ड के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में आपका 69,35,878 इकाइयां मौजूद है। हमारे छत्तीसगढ़ में 69,35,878 इकाइयां मौजूद है, जिसके अंतर्गत आपके छोटे उद्योग, प्रतिष्ठान, मकान, किराए के मकान इत्यादि शामिल है। देखिए इसमें जो है, ये जो जनगणना है ये आपके आर्थिक जनगणना है, यानी वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित ये जनगणना है, जिसके अंतर्गत छोटे उद्योग, प्रतिष्ठान, मकान तथा किराए के मकान, यानी जिससे सोर्स ऑफ अर्निंग हो रही है, ऐसे इकाइयों को काउंट किया जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 69,35,878 इकाइयां मौजूद है। इसी में एक और आंकड़े आए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश में 55.2 लाख, यहाँ लाख नहीं लिखा है, लाख लिख लीजिएगा, 55.2 लाख आवासीय तथा 10 लाख के आसपास वाणिज्यिक इकाइयाँ मौजूद है। हमारे प्रदेश में 55.2 लाख आवासीय तथा 10 लाख आपकी वाणिज्यिक इकाइयाँ मौजूद है, ठीक है। इस आंकड़े को थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए रामाराम जो कि आपके सुकमा जिले में है। ये जो रामाराम है ये आपका रामायणकालीन पौराणिक स्थल है। आपका रामाराम, जिसे राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है हमारे प्रदेश सरकार द्वारा राम वनगमन पथ के लिए टोटल 51 स्थलों को चिन्हित किया गया, जिसके प्रथम चरण में आपके 9 स्थानों का आपका राम वनगमन पथ के रूप में विकास किया जाएगा। उसमें से एक है आपका रामाराम, जो कि सुकमा जिले में स्थित है। रामायणकालीन पौराणिक स्थल है, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आकर के विश्राम किए थे। वर्तमान में यहाँ पर रामायणकालीन बहुत सी मूर्तियाँ आपके खुले आसमान में, यानी एक मैदान में ऐसी रखाई हुई है, यानी उनका प्रॉपर पुरातात्विक विभाग द्वारा उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। वहां पर रामायणकालीन बहुत सी मूर्तियां आज भी मौजूद है, ठीक है। तो जो आपका रामाराम, जो कि सुकमा जिले में है, एक रामायणकालीन पौराणिक स्थल है, जिसका राम वनगमन पथ के रूप में विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला सर्प उद्यान। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान ये बनाया जाएगा आपका जंगल सफारी रायपुर में। रायपुर के जंगल सफारी में आपका प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, ठीक, प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, ये सांपों का उद्यान बनाया जा रहा है। ये जो आपका जंगल सफारी है, ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, जो आपका लगभग 800 एकड़ एरिया पे आर्टिफिशियली तरीके से बसाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, इस जंगल सफारी में आपके अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग सफारियां बनाई गई थी, जैसे जो शाकाहारी वन्य प्राणी हैं उनके लिए लगभग 30 हेक्टेयर के आसपास, शेर के लिए 20 हेक्टेयर, बाघ के लिए 20 हेक्टेयर, भालू सफारी के लिए 20 हेक्टेयर, ऐसे अलग अलग सफारियां इस जंगल सफारी में मौजूद है। तो इसी के अंतर्गत अब विकसित किया जा रहा है आपका सर्प उद्यान, सांपों का उद्यान, ठीक, जिसमें 12 अलग अलग प्रजाति के सांपों को यहां पर रखा जाएगा, जैसे अजगर हो गया, पायथन हो गया, सेंट बोआ हो गया, भारतीय नाग हो गया, ऐसे अलग 12-12 प्रकार के प्रजातियों के सांप यहाँ पर रखे जाएंगे। लगभग 3 एकड़ क्षेत्र पर इस सर्प उद्यान को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सल्फी पदर ग्राम जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसे हमारे प्रदेश की आपकी राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा गोद लिया गया है। तो प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा गोद लिया गया ग्राम कौन सा है, तो सल्फी पदर किस जिले में है, तो कोंडागांव जिले में, इसे याद रखिएगा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ये क्या है,
ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत हर वर्ष किसानों को 3 किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष किसानों को 3 किस्त में 6,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। ठीक, इसके अंतर्गत, इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में पात्र किसानों की संख्या मार्च 2020 तक की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में पात्र किसानों की संख्या है आपकी 21,45,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जो पात्र किसान है उनकी संख्या है 21,45,000। ठीक, ये तो आपके किसान सम्मान योजना के आंकड़े हो गए, लेकिन जनगणना 2011 में किसानों के कुछ आंकड़े सामने आए थे, यानी जनगणना 2011 के आधार पर हमारे प्रदेश में कृषि तथा किसानों की क्या स्थिति है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार हमारे प्रदेश में 37.46 लाख किसान यानी 37.46 लाख किसान मौजूद है जिनके पास लगभग 50.84 लाख यानी 50.84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि मौजूद है। देखिए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में लगभग 37,46,000 किसान मौजूद है जिनके पास लगभग 50,84,000 हेक्टेयर कृषि भूमि मौजूद है। ठीक, यदि हम इन 37,46,000 किसानों की बात करें तो उसमें सीमांत किसान, लघु किसान, अल्प सीमांत किसान, मध्यम किसान और दीर्घ किसान ये मौजूद है। सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, लघु किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य भूमि है, अल्प सीमांत किसान जिनके पास आपके 2 से 4 हेक्टेयर तक की भूमि है, मध्यम किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि है और दीर्घ किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। ठीक है, तो हमारे प्रदेश में सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनकी संख्या है 21.8 लाख, लगभग 21.8 लाख। लघु किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उनकी संख्या है हमारे प्रदेश में 8.3 लाख यानी 8.3 लाख आपके लघु किसान मौजूद है। अल्प सीमांत किसान जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि मौजूद है उनकी संख्या है हमारे प्रदेश में लगभग 5 लाख। मध्यम किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि मौजूद है उनकी संख्या है लगभग 2 लाख और दीर्घ किसान जिनकी संख्या है हमारे प्रदेश में लगभग 27,000। ठीक है, सीमांत लगभग 21 लाख, लघु किसान लगभग 8.3 लाख, अल्प सीमांत किसान लगभग 5 लाख, मध्यम किसान लगभग 2 लाख और दीर्घ किसान लगभग 27,000 के आसपास इन किसानों की संख्या है। ये आपको प्री में नहीं काम आएगा, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में ये आंकड़े आपके थोड़े काम आ सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कितनी कृषि भूमि है, कितने किसान है, कितने लघु सीमांत मध्यम दीर्घ किसान कितने मौजूद है, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में थोड़े आपके हाईलाइट कर सकते हैं आपके आंसर को। नेक्स्ट देखिए, वन स्टेट वन गेम ये आपके भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है जो कि आपके आगामी जो आपके ओलंपिक गेम्स 2024 उसको टारगेट करते हुए आपके देश में आपके जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सभी राज्यों से एक खेल का प्रस्ताव मांगा गया था। यानी देखिए, जो हम खेल का प्रस्ताव मांगा गया था यानी हर एक राज्य पर्टिकुलर एक खेल को आपका एक उस खेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और वहां पर आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके खिलाड़ियों को तैयार करेगा। ठीक है, तो इसी योजना के तहत हमारे प्रदेश सरकार ने आपका जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसके पास 3 खेलों का प्रस्ताव रखा था। एक था हॉकी, दूसरा बैडमिंटन और तीसरा था आपका आर्चरी यानी तीरंदाजी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा हमारे प्रदेश को इन वन स्टेट वन गेम योजना के अंतर्गत आर्चरी यानी तीरंदाजी प्रदान किया गया है जो आगामी ओलंपिक गेम 2024 के लिए हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके आर्चरी प्लेयर्स यानी तीरंदाजी खिलाड़ियों को तैयार करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका सीसक शिल्प या प्लांट। देखिए, ये एक प्रकार का शिल्प भी बोलेंगे और इसे प्लांट भी बोलेंगे। ये प्लांट मौजूद है यानी सीसक प्लांट मौजूद है आपका परचनपाल ग्राम बस्तर में। बस्तर के परचनपाल ग्राम में एक प्लांट मौजूद है सीसक प्लांट जहाँ पे सीसक शिल्प के लिए फेमस है। ये सीसक शिल्प क्या है, इसमें पत्तियों के रेशों से रस्सी का निर्माण किया जाता है यानी एक पत्ती से उनके पतले पतले रेशे निकाले जाते हैं और उन रेशों से आपके रस्सियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इन रस्सियों, देखिए ये जो रस्सी है सफेद कलर के, इनसे रस्सी निकाले जाते हैं। इन रस्सियों का जो उपयोग है ये व्यावसायिक स्तर पर तथा समुद्र जहाजों को लंगर से बांधने के लिए किया जाता है। जो आपके समुद्री जहाज जो डॉक यार्ड में जो पार्क रहते हैं उन्हें किनारों पर बांधने के लिए जो रस्सी उपयोग में लाई जाती है
उसमें इसका उपयोग किया जाता है, शीशक शिल्प या शीशक रस्सियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रस्सियों की खासियत ये है, ये कितने भी समय तक आपके पानी में पड़े रहे ये सड़ते नहीं हैं। ठीक है, इन्हें कितने भी समय तक आप पानी में रखेंगे ये सड़ते नहीं हैं। तो शीशक शिल्प, और इससे आपके शिल्प मतलब इससे कई प्रकार के घरेलू सजावटी वस्तुएँ भी बनाई जाती है। ठीक है, काफ़ी सफ़ेद रहते हैं ये रस्सियाँ जिसके कारण ये आकर्षित करते हैं, तो इससे कई प्रकार के घरेलू आपके सजावटी वस्तुएँ भी बनाई जाती है। तो शीशक शिल्प या शीशक प्लांट कहाँ मौजूद है, परचनपाल ग्राम बस्तर में, स्पेशली बस्तर जिला में, जिसमें आपके पत्तियों के रेशों से आपके रस्सी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिसाली नगर निगम, आप सभी को बता चुका हूं कि जो आपका 14वां नगर निगम है रिसाली, जिसे बनाए जाने की घोषणा की गई थी, अब ये अस्तित्व में आएगा आपके 1 अप्रैल 2020 से, आधिकारिक रूप से ये अस्तित्व में आएगा, यानी 14वां नगर निगम के रूप में ये आपके अस्तित्व में आएगा 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से ये अस्तित्व में आ जाएगा, जिसमें इस साल नवंबर दिसंबर के आसपास इसमें आपके नगर निगम चुनाव भी होंगे, यानी महापौर चुना जाएगा। नेक्स्ट है आपका बस्तर विश्वविद्यालय। देखिए, आप सभी को मालूम है कि मई 2013 में झीरम घाटी सुकमा में आपके कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर नक्सली हमला किया गया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शहीद हो गए थे, जैसे नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा। तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हमारे कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा जाएगा, यानी नाम परिवर्तन किया गया, बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, झारालावा जलप्रपात जो मौजूद है दंतेवाड़ा जिले में, बस नाम याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सकल नारायण गुफा जो मौजूद है आपके भोपालपट्टनम बीजापुर में मौजूद है आपका सकल नारायण गुफा, जो कि पोषणपल्ली पहाड़ी जो वहाँ पे मौजूद गोवर्धन पर्वत का ही एक पार्ट है, पोषणपल्ली पहाड़ी पर आपके चिंतावागु नदी के साथ मौजूद है ये सकल नारायण गुफा, जहाँ पर इस गुफा के अंदर विराजमान है आपके एकांत श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण विराजमान है इस गुफा के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे हर साल आपके चैत्र माह में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक, तो ये सकल नारायण की गुफा कहाँ मौजूद है, भोपालपट्टनम में, जिला बीजापुर, पोषणपल्ली की पहाड़ी जो कि गोवर्धन का पार्ट है, चिंतावागु नदी के किनारे ये मौजूद है। इस नदी में स्नान करके लोग पहाड़ पर चढ़ाई करके इन एकांत श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, उस जगह में एकांत श्री कृष्ण विराजमान है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राजमेरगढ़ जिसे छत्तीसगढ़ के मेघालय की संज्ञा दी गई है, मेघालय जो कि पर्वतों के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। ठीक, राज्य भी है शहर भी है, मेघालय जो कि पर्वतों के ऊपर बसा हुआ है, तो सेम आपके मेघालय की तरह ही ये जो आपका राजमेरगढ़ जो कि पेंड्रा तहसील के अंतर्गत आपके नवीन जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है, यह एक पर्यटन स्थल है। मेघालय की तरह यह भी लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर पठार क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ एक शहर है, जिसे छत्तीसगढ़ के मेघालय की संज्ञा दी जाती है। ठीक, ये जो है ये लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर पठार क्षेत्र में बसा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के साथ सीमा बनाता है। अमरकंटक जो कि एक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, जहां पे उगता हुआ सूरज, ढलता हुआ सूरज, ये काफी आकर्षक का केंद्र रहता है। तो इसे दूसरे अमरकंटक के रूप में भी इसे बनाए जाने की घोषणा काफी पहले से की गई थी, लेकिन जब अब नया आपका जिला बन चुका है गोरेला पेंड्रा मरवाही, तो इसकी मांग और उठी है कि इसे पर्यटक क्षेत्र के रूप में और विकसित किया जाए। ठीक, तो राजमेरगढ़ कहां मौजूद है, पेंड्रा तहसील गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत, जिसे छत्तीसगढ़ के मेघालय की संज्ञा दी गई है। ठीक, यहीं पर मौजूद है साइड में जलेश्वर धाम। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं आपके दो प्रत्याशी, एक है आपके केटीएस तुलसी और दूसरे है आपकी फूलो देवी नेताम। केटीएस तुलसी जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, एडवोकेट है, जबकि फूलो देवी नेताम जो कि छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। ठीक, ये दोनों के दोनों राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित है, यानी राज्यसभा में ये आपके निर्वाचित हो चुके हैं। कौन? केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम। नेक्स्ट है आपका श्रेया अग्रवाल और श्रुति यादव, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों का नाम स्र स्र से स्टार्ट है, स्र से श्रेया, स्र से श्रुति, दोनों का संबंध किस खेल से है पूछा जाए तो शूटिंग से। श्रेया अग्रवाल जो कि राइफल शूटिंग से संबंधित है जिनका संबंध, और दूसरी है आपकी श्रुति यादव जिनका संबंध है पिस्टल शूटिंग, एक है राइफल शूटिंग दूसरा है पिस्टल शूटिंग। श्रेया अग्रवाल राइफल शूटिंग, श्रुति यादव पिस्टल शूटिंग। जो आपकी श्रुति यादव है उन्हें
ब्रिटेन की संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा शी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि श्रुति अग्रवाल जो है गलत दवाइयों की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चले गई थी, फिर लेज़र पद्धति के माध्यम से अपने आँखों का उन्होंने इलाज करवाया। अपने आँखों का इलाज करवाने के बाद उन्होंने इस शूटिंग की प्रैक्टिस की, जिसके बाद उन्होंने कई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपके बहुत सारे पदक जीते। तो इसी कारण से ब्रिटेन की संसद के द्वारा इन्हें सी इंस्पायर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड पाने वाली ये छत्तीसगढ़ की प्रथम तथा एकमात्र महिला है। नेक्स्ट देखिए, अभय खाखा जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो कि आदिवासी एक्टिविस्ट थे, यानी आदिवासी के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक आपके समाज से भी थे। तो आदिवासी एक्टिविस्ट थे, कौन है आपके अभय खाखा, नाम याद रखिएगा, अभय खाखा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्स ग्रेशिया राशि। एक्स ग्रेशिया राशि मतलब प्रदेश में जो आपके नक्सली हिंसा में जो आपके जवान शहीद हो जाते हैं, तो उन पर आश्रित जो जवान शहीद हुए उन पर आश्रित परिवारों को पहले प्रदेश सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी, जिसे कैबिनेट के द्वारा निर्णय लेकर के इस 3 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया 20 लाख रुपए। यानी माओवादी हिंसा में अब जो भी जवान शहीद होंगे उन पर आश्रित परिवारों को एक्स ग्रेशिया राशि यानी अनुदान राशि के रूप में आपके 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जितना भी बताया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।